नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत। नई दिल्ली मछली बाजार, अगर आप जानते हैं तो जरा सोचिए कि अधिकतम कितने रुपए किलो आपने मछली खरीदी है। 500 से 1000 रुपए किलो मछली आसानी से मिल जाती है, लेकिन क्या कभी आपने 26000 रुपए किलो मछली खरीदी है? हैरान मत होइए, भारत में ही 26000 रुपए किलो मछली बिकी है। एक मछली ने ही मछुआरे को लखपति बना दिया है। मछली का कारोबार भारत में बहुत बड़ा है। देश के समुद्री इलाकों में खासकर फिशिंग मुख्य रोजगार है। मछलियां न केवल खाने के काम बल्कि इससे कई जीवन रक्षक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक मछली के मछुआरे को लखपति बना दिया। ये मछली 26000 रुपए किलो बिकी है और 3 घंटे के भीतर ही इसकी नीलामी हो गई। शिवाजी कबीर नाम के मछुआरे के जाल में एक दुर्लभ मछली फंसी। ये बेशकीमती मछली मछुआरे के लिए इतनी लकी साबित हुई कि उसने 3 घंटे के भीतर ही उसे लखपति बना दिया। मछुआरे ने इस 55 किलो की मछली को 13 लाख रुपए में बेचा। 3 घंटे तक चली बोली के बाद इसे एक विदेशी फर्म ने खरीदा है। मछली मादा और गर्भवती थी। सिर्फ उससे अंडे का वजन ही 5 किलोग्राम था। जब ये मछली कबीर के जाल में फंसी और उसने इस विशालकाय मछली को पकड़ा तो उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। कबीर के जाल में फंसी ये तेलिया भोला मछली थी, जो अधिकांश तौर पर गहरे पानी में होती है, लेकिन कभी कभी वो तटों पर भी आ जाती हैं। इस मछली का वजन 55 किलो का था। इस मछली में नर और मादा दोनों वाले गुण मौजूद थे। ये तेलिया भोला मछली काफ़ी महंगी बिकती है, जिसका मुख्य कारण है इसका पेट। दरअसल इस मछली के पेट में बहुत से गुणकारी तत्व पाए जाते हैं, जिससे जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाती हैं। इसलिए इस मछली को अधिकांश तौर पर दवाई बनाने वाली कंपनियां खरीद लेती हैं। इस मछली की मांग विदेशी बाजारों में बहुत अधिक है। ये मछली सामान्य तौर पर गहरे पानी में ही रहती है, लेकिन प्रजनन के दौरान ये तटों की ओर आती है। ये दुर्लभ मछली बहुत कम जाल में फंसती है, लेकिन जब फंस जाती है तो मछुआरे की किस्मत बदल देती है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 121 तेलिया भोला मछलियाँ मछुआरे के जाल में फंस चुकी हैं। हालांकि अधिकांश मछलियों का वजन 18 किलो तक ही था। ये पहली मछली थी जिसका वजन 55 किलो था।